तपस्या कर रहे हैं और क्या जप रहे हैं, ध्रुव भगवान की तपस्या करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव इस प्रकार भगवान की तपस्या पता है कैसे कर रहे हैं, सुंदर व्रत से कर रहे हैं। व्रत उपवास ऐदिगे मन मन ऐदिगे चोक ऐदिगे मुक्त बंदो अमर दिगे भालबे ऐदिगे से दिगे भालबे ना नाइले आग ऐ जे यार पोरे तुमरा जे जन्म पावे उल्लूर पावे तत्त्व देखावे दिने देखावे ऐ दिगे व्रत कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं। बेसी खाना खाना भी भगवान के भजन में बाधक है। बेसी खाना नहीं खाना चाहिए। अमी को तो खबर खाई जानो सकाले नाश्ता फास्ता अमी किछु करी ना। एकटा दुटा समय मात्र दुटा रुटी रुटी नाई होले एई एकटुकु भात। রাত্রের সময় মন হইলে একটা নাইলে দুটা রুটি। যারা আমাকে খাওয়াতে যায় ওরা খুব ভালো করে জানে আজকে তো শুধু আমি এই এইটুকু দই আর দুটা রসগোল্লা খাই করে আসেছি, আজকে কিছু খাওয়া হয় না। তাও দেখো সুন্দর বসে করে ভাগবত করছ। হ্যাঁ ज्यादा खाना भी ज्यादा कुछ खाना भी भगवान के भजन में बाधक है। और हमरा सकाल थेके सन्ध्या तक की खाबो सकाले की होवे रुटी होवे लुची होवे आलूर भुजिया होवे मुढ़ी होवे घुगनी होवे खीरा होवे दोपहरे भात होवे दाल होवे आलू पोस्तर सब्जी होवे একটুকু শাক দরকার। এখন সুন্দর সন্না খাড়া আসছে খাড়াও দরকার। দু চারটা সবজি নাই হইলে তো খাওয়া ভালো লাগবে না। আর দুপুরে খাওয়া হইল একটুকু ঘুমা ঘুমাই হইল তারপরে রাত্রের ব্যবস্থা গোটা দিন এই শুধু খাওয়া 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 খাওয়া। আজকে খাবে কালকে বেরাবে আজকে খাবে কালকে বেরাবে আজকে খাবে এই কাজটাই। সময় কো বাঁচাও। রামায়ণ মে লিখা করই আহার শাক ফল কন্দা সুমিরই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দা। भगवान के भक्त को कम भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त को कम भोजन करने से आलस्य नहीं आता। अपना जानो आमी कत घंटा घुमाई बेसी थी के बेसी 24 घंटार मध्य एक घंटा शुद्ध आमी घुमाई 12 बच्चों रही गेछे आमाके एक घंटा। আমার সঙ্গে যতজন থাকে কোন কোন সময় এরা ভয় খাই যায়। এরা যখন ঘুমায় আমিও ঘুমাই যাব। তারপরে কিছুক্ষণ পরে আরো উঠি করি আমার সব থেকে সুন্দর টাইম রাত্রের টাইম। রাত্রে বসি করি ঠাকুরের নাম করব। যখন সব লোক ঘুমাই যায় তখন ইসলিয়ে আর কম খানা চাই। खाना कम खाओगे तब भगवान का भजन होगा। और ध्रुव पता कैसे तपस्या कर रहे हैं? ध्रुव ने पहले महीने में केवल तीन दिन के बाद बैर जानो कुल कुल पाका कुले बोला है तो मदेरी दिखे कुल पाका तीन दिनेर पर शुद्ध कुल खाई करी ঠাকুরের নাম করে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় করতে পারবে? হাতগুলা গলি যাবে তোমাদের।
पहला महीना पूरा हुआ भगवान नहीं आए। ध्रुव को लगा ये बैर भगवान के भजन में बाधक है, इसलिए बैर को छोड़ दो। दूसरा महीना भगवान का भजन करने लगे, ध्रुव 6-6 दिन के बाद सूखा घास खाने लग गए। सूखा घास खाते पारवे बोले छागोल की आमरा। ध्रुव 6-6 दिन के बाद केवल सूखा घास खाते और सूखा घास खा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते। दूसरा महीना भी पूरा हो गया, भगवान नहीं आए। ध्रुव ने सोचा ये घास भी भगवान के भजन में बाधक है, घास को छोड़ दिया। तीसरा महीना लगा और तीसरे महीने में ध्रुव ने 9-9 दिन के बाद केवल जल पीना शुरू किया, केवल जल। आज जल पीते, 9 दिन बाद जल पीते, आज जल पीते, 9 दिन बाद जल पीते। और जब देखा भगवान तीसरे महीने में भी नहीं आए तो ध्रुव ने जल पीना भी छोड़ दिया। चौथा महीना लगा, अब तो ध्रुव केवल वायु 12-12 दिन केवल श्वास लेकर के रह रहे थे। एक बार श्वास ले 12 दिन तक नहीं ले, फिर एक बार श्वास ले 12। चौथा महीना पार हो गया, भगवान नहीं आए। और जब चौथे महीने भगवान नहीं आए तो ध्रुव ने सोचा ये श्वास भी बेकार है, जब इस शरीर में भगवान दर्शन नहीं दे सकते दे तो शरीर बेकार है। ध्रुव ने एक बार श्वास लिया, एक पैर पर खड़े हो गए, अंगूठे के प्रभावों से धरती को दाबा, दोनों हाथ आकाश पर किया और भगवान के शिव चरणों का इतना भयंकर ध्यान किया कि कहते तीनों लोगों की श्वास रुक गई। देवता, दानव, गंधर्व, मानव, पशु, पक्षी सब प्राणों की रक्षा को लेकर भगवान को पुकारने लगे। और भागवत कहती भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुड़ पर विराजमान होकर के ध्रुव को दर्शन देने प्रकट हो। भगवान नारायण प्रकट हो गए। और जब भगवान नारायण प्रकट हुए, नारद जी ने कहा था ना भगवान खुद ही जगाएंगे, नेत्र बंद है ध्रुव के, भगवान ने शंख छुआया और ध्रुव ने नेत्र खोला, भगवान दिखे, साष्टांग प्रणाम करने लगे भगवान। भगवान ने कहा ध्रुव तुमने खूब सुंदर तपस्या की है मेरी, मैं तुम्हारे इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम 36,000 वर्ष तक के लिए राजा बन जाओगे। कितने साल के लिए बोलो? हमारा 100 बच्चों तो जीते बात छीन आए, हाटू बे था, गोड़ बे था, माथा बे था, चोक बे था, काने थी के काला होई जाच्छी। 36,000 वर्ष तक का राजा बनाया ध्रुव को। ध्रुव रोने लग गए, कहने लग गए भगवान जिसके लिए इतनी भयंकर तपस्या की, जिसके लिए हम इतना सुंदर भजन किए, जिसके लिए हमने इतना भजन साधना की, वह भगवान भी हमको यह मृत्यु लोक में ही भेज रहा है। नहीं प्रभु, मुझे यह राजपाट का अब सुख नहीं चाहिए। यह राजपाट का सुख का विचार तो पहले था, अब तो प्रभु मुक्ति का विचार है, आपके दर्शन हो गए, अब तो मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान ने कहा जाओ, पहले 36,000 वर्ष तक के लिए राजा बनो, क्योंकि मन में कामना लेकर के आए थे और जब तक कामना रहेगी तब तक धरती पर जन्म लेना होगा, इसलिए कामना पूर्ण करो। और कामना पूर्ण होते ही राजगद्दी संभालने के बाद तुम सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरा दिव्य स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त करोगे। और भगवान ने उत्तर दिशा में सप्तऋषियों से ऊंचा स्थान ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्रदान कर दिया। ध्रुवलोक उत्तर दिशा में संध्या के समय टिमटिमाता हुआ जो तारा दिखता है वह भगवान का लोक था जो भगवान ने ध्रुव को प्रदान किया। तब से वह तारा ध्रुव तारा हो गया। सप्तऋषियों से भी ऊंचा स्थान है वह ध्रुव का।
विद्रोह ने 36,000 वर्षों तक राज्य को सुंदर संभाला। कहते हैं ध्रुव के छोटे भाई उत्तम थे। एक बार की बात है, उत्तम रथ पर सवार होकर के जंगल पर गए। जंगल में यक्ष मिल गए। यक्षों से उत्तम का झगड़ा हुआ और यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। भाई से मोह होने के कारण ध्रुव आए और ध्रुव यक्षों से भीषण युद्ध करने लगे। और जब ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया तो एक एक करके संपूर्ण यक्षों का संहार कर दिया ध्रुव जी ने। सब यक्षों की मृत्यु होने लगी। और कहते हैं यक्षों की मृत्यु देख करके कहते हैं मनु महाराज प्रकट हुए। मनु ने ध्रुव को समझाया, ध्रुव तुम भगवान के भक्त हो, इसलिए भक्त को हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा को त्यागो। ध्रुव ने हिंसा को त्यागा और कहते हैं ध्रुव हिंसा को त्याग करके भगवान का पुनः ध्यान करने लगे। ध्रुव का 36,000 वर्ष का राज्य पूरा हुआ। ध्रुव के पुत्र का नाम उत्कल था। ध्रुव ने अपने पुत्र राजा उत्कल को राजा बनाया। एकदम मन दी करी कथा सुनवे। ध्रुव के पुत्र का नाम उत्कल, उत्कल राजा हुए। उत्कल का पुत्र हुआ अंग। और महाराज अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ। मृत्यु मतलब समझे, मृत्यु माने बुझते पालन की ना बुझले कोनो लोग हाँ बोलछे ना। मृत्यु माने तुम्हार काल 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 कुत्ते तुम्हें तुम्हारे काछे काल आसी जावे। भागवत अच्छे काल के ठीक है जाबो तो काल के काल के काल के काल के और काल के काल के काल के काल के काल के कुत्ते कुत्ते माथा उपरे काल मुंडराछे। এই ভাবনাটা কোনোদিন আমাদের মনে আসে। মৃত্যু কি পুত্রী সুনীতা সে বিবাহ কিয়া, সো উনসে এক পুত্র হুয়া, উস পুত্র কা নাম ভেন হুয়া, ভেন। অর রাজা ভেন বড়া পাপী হুয়া। মৃত্যু নানা জি হে, নানা নানা মানে বুঝলে তো মায়ের বাবা, কি বলে বাংলায় নানা দাদু মামা দাদু। এই তো সব শিখি যাচ্ছি বাংলা, কেন চিন্তা করছি। মামা দাদু, মামা দাদু কাল, इसलिए मामा दादू काल होने के कारण वेन पापी हो गया। मृत्यु तो पाप है, राजा हो गया वेन। सब यज्ञ का अनुष्ठान बंद करा दिया, भगवान का भजन बंद करा दिया। सबको बोलता कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भजन कीर्तन सत्संग नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा। साधु महात्मा बड़े भयभीत हो गए, यदि भजन नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं उगेगा, और अन्न नहीं होगा तो मनुष्यों की मृत्यु हो जाएगी। এই সাত দিনের ভাগবতের মধ্যে একদিন বর্ষা আমি এখানে করাই দিব, বলো। ঠাকুরকে একটা ফোন করবো, হ্যাঁ জি গরম অনেক পড়ছে, একটুকু বর্ষা করে দাও। আমাকে শুধু ভাগবতের সংকল্প করতে হবে এইখানে বর্ষা হয়ে যায়।
তবে তোমরা বসবে কোথায়? একবার ধ্যান আ গিয়া, একদম সত্য বাত বতা রহা হুঁ। এক গাঁও মে হম যজ্ঞ করানে গে বোকারো মে, और एक गांव में यज्ञ हो रहा है, बगल के गांव में भी यज्ञ हो रहा है, 3 किलोमीटर का अंतर। एकदम सत्य बात लखी जी, 3 किलोमीटर का अंदर 4 बच्चर हो गए थे। को था यज्ञ हम करा रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, भागवत का अनुष्ठान 9 दिन का कार्यक्रम था। ऐसे मई जून का महीना, बहुत गर्मी, भयंकर गर्मी, भयंकर मई जून का महीना था, भीषण गर्मी। और इतनी गर्मी हुई, दूसरे दिन पंडित जी लोग भी डर गए। पंडित जी लोग बोले, हम लोग बीमार हो जाएंगे गर्मी में। हम बोले, चिंता मत करो, वर्षा हो जाएगी। और तीसरे दिन से वर्षा हो, केवल वही वर्षा हो जहां पे कथा यज्ञ हो रहा है, केवल वही। गांव में भी वर्षा नहीं हो रही, बगल के गांव में भी वर्षा नहीं, पेपर में छपा, केवल वही आधा किलोमीटर में बादल आए, बरसे और चले जाए। रोज दिन में, रात में मौसम ठंडा हो जाए, लोग सुंदर कथा सुनने आए, पर डे 15-20 मिनट बारिश हो वहां और चल जाए, 15-20 मिनट बारिश हो चल जाए। राजा बेन अपने पिता, अपने मामा दादू के परिवार के जैसे हो गया, पापी हो गया, यज्ञ कराना बंद कर दिया। साधु महात्मा लोग गए कि वेन को समझाएंगे, और नहीं समझेगा तो वैन को दंड देकर, दंड दे देंगे, मृत्यु दंड दे देंगे, वैन को मृत्यु दंड दे देंगे। और कहते हैं महात्मा लोग गए, बाबा जी लोग गए वैन को समझाने। वैन बोला, नाना कोई भगवान नहीं होता है, मेरी पूजा करो, हम ही भगवान। धरती बरसात नहीं होगी तो क्या हुआ, हमारे पास राजकोष में बहुत धन है, दूसरे राज्य से अनाज मंगा लिया जाएगा, कोई कमी नहीं है, हमारा भजन करो, हमारा कीर्तन करो, हमारा गुणगान गाओ। क्यों? क्योंकि मेरे नाना, अमर मामा नाना मृत्यु है, अमर नाना बाड़ी मृत्यु, मौत। बड़ा घमंड था महात्माओं को, क्रोध आया, और महात्माओं ने सुंदर तप बल को प्रकट किया, और तप बल से महाराज वेन का अंत कर दिया, मार डाला। एक कथा बोलो, नाना मृत्यु है फिर भी अपने नाती को बचा नहीं पाए। उसके मां ने शरीर को सुंदर तेल में डाल करके सुरक्षित रखा। साधु महात्मा चले गए। कुछ समय बाद राज्य में राजा नहीं होने के कारण अब तो चोरों का आतंक बढ़ गया, जगह जगह चोर हो गए, धर्म अनुष्ठान तो बंद ही हो गया था, लेकिन अब चोर भी हावी हो गए। महात्मा लोग डर गए, क्या किया जाए, वेन का पुत्र भी नहीं है। उन्होंने सोचा, इस वेन के शरीर से पुत्र को जन्म दिया जाए। और महाराज वेन के शरीर के, कहते हैं, जंघाओं को पकड़ा, और जंघाओं को पकड़ करके जोर से मंथन किया, और जोर से मंथन किया तो एक छोटा नाता नाटा कद का काला सा बौना सा गिट्ठा सा आदमी पैदा हुआ। महात्माओं ने सोचा, ये बौना आदमी हमारे कोई काम का नहीं है। उसने पूछा, मैं कौन हूँ? कहने लगा, तू निषाद है, चुपचाप बैठ जा, कोई काम का। रामचरितमानस में कथा आती है, भगवान के पुराने मित्र निषाद हैं। जब भगवान अयोध्या से वनवास के लिए गए तो मार्ग में निषाद मिले, कथा आती, यही निषाद, यहां से निषादों का वंश चला। राजाओं ने
महात्माओं ने सोचा क्या किया जाए क्या किया जाए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करके राजा वेन के भुजाओं को पकड़ा और दोनों भुजाओं का जोर से मंथन करना शुरू किया। कहते एक भुजा से भगवान नारायण पृथु रूप में प्रकट हो गए और दूसरी भुजा से माता लक्ष्मी अर्ची रूप से प्रकट हो गई। बोलिए भगवान पृथु की। 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार पृथु अवतार। तब से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए। सगर्भा एक गर्भ से जन्म न लेने के कारण पृथु और अर्ची में विवाह करवा दिया और धरती को महाराज पृथु को समर्पित कर दिया। महात्माओं ने कहा महाराज पृथु भगवान धरती जो है अन्न उपजा नहीं रही है, वर्षा नहीं हो रहा है, वर्षा कराने के लिए यज्ञ कराना होगा। महाराज पृथु ने बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया, खूब वर्षा हुई लेकिन धरती ने अन्न को नहीं उपजाया। धरती गुस्सा हो गई और जब महाराज पृथु को पता चला कि धरती अन्न नहीं दे रही है तो महाराज पृथु क्रोध में आकर के तीर धनुष उठाया कि धरती सावधान, यदि तुमने अन्न नहीं दिया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और भगवान पृथु ने जैसे ही तीर धनुष उठाया कहते हैं धरती माता गौ रूप में प्रकट हो गई। धेनु रूप धरि हृदय विचार गई जहां तहां सुर नर मुनि सार। धरती कहते हैं धरती माता गौ रूप में प्रकट हो गई, गाय बन गई और महाराज पृथु के पास गई। कहने लगे क्षमा कर दो, तुम जो संकल्प लेकर के मेरा दूध दुहोगे वह पूरा हो जाएगा। महाराज ने राज्य की समृद्धि के नाम पर गौ माता का दूध दुहा, धरती भारत वर्ष समृद्धशाली हो गई। महात्माओं ने भगवान का ध्यान करके किया तो महात्माओं को यज्ञ आदि की व्यवस्थाएं सुलभ हो गईं। किसानों ने अन्न आदि के लिए किया तो कहते हैं धरती से अन्न उपजने लग गया। जो जिस भाव से गौ माता को दुहा उसके यहाँ वैसी व्यवस्था उपजी। महाराज पृथु के पुत्र अंतर ध्यान हुए। ध्यान देकर कथा सुनो, पंचम स्कंद की कथा कर रहे हैं और पंचम स्कंद से अब छठम स्कंद में जाएंगे। छठम स्कंद कब खत्म हो के सातवां स्कंद आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, मैं तो आम ही जान सी। पंचम स्कंद खत्म होने वाला है। महाराज पृथु के पुत्र अंतर ध्यान के पुत्र हरित ध्यान के पुत्र प्राचुर्यवरी के 10 प्रचेतागण और इन 10 प्रचेतागणों से दक्ष आदि का संतान हुआ, दक्ष हुए। अब समझ में आया भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा से मनु से उत्तानपाद से ध्रुव के पुत्र उत्कल के पुत्र अंग के वेन के पृथु के अंतर ध्यान के हरित ध्यान के प्राचुर्यवरी और फिर प्रचेतागण और फिर दक्ष प्रजापति 16वीं संतान। आरो बोलवो भागवते सब कुछ लिखा छे। कार पुत्रो कार कार पुत्रो कार कार पुत्रो कार कार पुत्रो कार कार पुत्रो कार। यही दक्ष और दक्ष के भगवान ब्रह्मा ने दक्ष को कहा दक्ष मैं तुम्हें प्रजापति बनाता हूँ, जाओ तुम प्रजापति हो जाओ और मैथुनी शक्ति से तुम पुत्रों को जन्म दो। अब पृथ्वी का चक्र स्त्री पुरुष के परस्पर संयोग से गर्भ धारण करके होगा। इससे पहले तक जल में संकल्प लेते थे और जमीन पर छोड़ते थे, उतने पुत्र हो जाते थे, यज्ञ से पुत्र होता था। दक्ष ने प्रथम 10,000 पुत्रों को जन्म दिया।
संकल्प किया 10,000 पुत्र प्रकट हो जाएं। और 10,000 पुत्र को दक्ष ने कहा तुम सब लोग जाओ जंगल में भगवान की भक्ति करो, भजन करो, खूब बल को प्राप्त करो और वापस आओ। 10,000 का मैं विवाह करूंगा, तुम 10,000 गर्भ धारण अपनी अपनी पत्नियों को गर्भ धारण करा के अब पृथ्वी चक्र को आगे बढ़ाओ। 10,000 जंगल में गए भगवान का भजन करने। नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो? कह रहे भगवान का भजन करने आए। भजन करके? बोले भजन करके फिर घर जाएंगे, गृहस्थ जीवन बसाएंगे। नारद जी ने कहा भगवान का भजन करने भक्त जो है गृहस्थ नहीं होना चाहिए। तो कहने लगे बाबा जी बन जाओ। और नारद जी ने 10,000 को मंत्र दिया ऐसा कि सब बाबा जी बन गए। दक्ष को बड़ा गुस्सा लगा, हमारे 10,000 पुत्र बिना काम के प्रकट हुए, कोई मतलब नहीं, सब बेकार हो गए। सो दक्ष प्रजापति ने फिर 1,000 पुत्रों का संकल्प किया, 1,000 फिर प्रकट हुए, फिर जंगल गए। नारद जी फिर आ गए और नारद जी ने फिर सबको बाबा जी बना दिया। दक्ष को पता चला नारद यह काम कर रहा है, इसलिए दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, जाओ नारद मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, एक स्थान पर कहीं भी तुम स्थिर नहीं रह पाओगे, एक पल के लिए भी कहीं बैठ नहीं पाओगे, तुम सदा सर्वत्र तीनों लोकों पर केवल विचरण करोगे, भटकते रहोगे, घूमते रहोगे। और नारद जी को ऐसा श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप दिया, क्यों कि गुरु मंत्र देने के लिए बैठना होगा, समझाना होगा, बताना होगा। और नारद हमारे 11,000 पुत्रों को बाबा जी बना दिए, आगे जो भी आएगा सब बाबा जी बन जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। तब से नारद जी ने हाथ में करतल वीणा पकड़ी और भगवान का तीनों लोकों पर भजन करने लगे। एक बार करतल वीणा, नारद जी हाथ में वीणा लेकर के भ्रमण कर, इसीलिए तो कहा कि नारद स्थिर नहीं है, 7 दिन बैठ करके कथा कैसे सुनी। एक कथा बोलबो, किसी को कितना बड़ा भी श्राप हो लेकिन भागवत के पुण्य के कारण वह 7 दिन तक सभी समस्त प्रकार का श्राप नष्ट हो जाता है, पता नहीं चलता। नारद का यह श्राप काम नहीं कर रहा है 7 दिन जब तक कथा सुन रहे। प्रिय व्रत उधर भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान प्रकट हो गए। प्रिय व्रत भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने कहा प्रिय व्रत तुम गृहस्थ जीवन में जाओ। प्रिय व्रत ने बोला हम तो मुक्ति के लिए आए हैं। भगवान ने कहा तुमको मुक्ति बाद में मिलेगी, तुम्हारे यहाँ हमारा जन्म होगा, तुम्हारे वंश में मेरा जन्म होने वाला है, इसलिए वंश चलाओ। प्रियव्रत ने बोला योग्य पत्नी भी तो होनी चाहिए, योग्य पत्नी होनी चाहिए। पत्नी को बंगला में क्या बहुमा बोलते हैं? बहु, बहुमा मतलब क्या हुआ? लड़का का। अच्छा, पत्नी को बहु और बहुमा मतलब लड़के का, यानी ससुर जी बहुमा बोले। प्रियव्रत ने बोला कि हमारे लिए योग्य बहु होना चाहिए। आजकल यही बड़ी समस्या है, एक बार एक शेर की शादी हो रही थी, ध्यान देकर सुनो, शेर माने पूछो तो सिंहो, जंगलर राजा। एक बार एक शेर की शादी हो रही थी और शेर के शादी में चूहा नाच रहा था, शेर की शादी में चूहा नाच रहा, खुद खुद शेर ने बोला तुमको डर नहीं लगता है मेरी शादी में नाच रहे हो? हमको गुस्सा आएगा, तुमको उठाकर खा लेंगे। चूहा ने बोला ध्यान से देखो हमको, हम कौन है? शेर ने कहा चूहा ही तो हो,
कहते गलती मत करना, शादी से पहले हम भी शेर ही थे और शादी के बाद चूहा हो गए। बुझते पाले तो चौंधे नारद जी सबको ज्ञान दे रहे हैं शेर होना है कि चूहा होना है। प्रियव्रत ने कहा कि योग्य पत्नी होनी चाहिए। पत्नी योग्य नहीं है और योग्य पत्नी नहीं होने से गृहस्थ जीवन चलता नहीं। हमने देखा है कोई कोई पत्नी पश्चिम दिशा में और पति पूर्व दिशा में चलता है, और हमने किसी किसी के घर में देखा है कि पत्नी भी भगवान की भक्त है और पति भी भगवान के भक्त है, बड़े आनंद से गृहस्थ जीवन चल रहा है। आमी तुम्हारे जानी नहीं की होए सकाल थी के सुंदर, और आजकल सब थी के बेसी समस्या दो पांच किलोमीटर काचा काची तो बाड़ी कोनो होइले माइके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो जाबो आमी कि टेम्पो पाबो नहीं कि 10 টাকায় তো পৌঁছে যাব রবিনপুরেই তো আমার মাইকা ফট ফট কিছু হইলে যাচ্ছি আমি বনাতে থাকবে তুমি রুটি খাবে আলু চোখা পান তো ভাত इसीलिए पत्नी भी योग्य होनी चाहिए और पति भी, केवल इनकी भी जिम्मेवारी भी नहीं दोनों। एक बात और ध्यान आ गया एक बार एक आदमी नौकरी करने के लिए बाहर गया, घर पर यमराज आ गए, पति लेट हो गया आने पर, गेट ठक ठक हुआ, पत्नी अंदर से कहा बहुत टाइम से आ गए, गेट खोला देखे दरवाजे यमराज खड़ा है, किसके लिए आए, बोले तुमको ले जाने के लिए आए। अब पत्नी के पास कोई बहाना नहीं, बोले देखो हम बिना पति को देखे हुए नहीं जा सकते, इसलिए आप अंदर बैठिए चाय नाश्ता कीजिए। अब बिचारी फोन करे फोन लगे ही नहीं, क्या आप आज घर मत आइए, फोन करे फोन लगे ही नहीं, फोन करे फोन लगे ही नहीं, फोन करे फोन। थोड़ी देर में पति देव आ गए, गेट खटखटाया और जैसे ही गेट खोला, अरे आज थोड़ा लेट से नहीं आ सकते थे, क्यों टाइम से ना आओ तो रोज डांटती हो। और अंदर जैसे ही जाने लगे, कहने लगे अंदर यमराज बैठा है, किस लिए, यमराज हमको लेने के लिए आया है। पति ने कहा पहले बताते 2 घंटा और जल्दी आ जाते। तो कईयों के घर में ऐसी समस्या है और कईयों के यहाँ पत्नी योग्य है। इसलिए देखो भागवत की कथा सुन रहे हो, पत्नी योग्य होनी चाहिए, पति योग्य होना चाहिए, आपस में सामंजस्य बैठाओ। झगड़ा होता है, तू मैं होता है, लेकिन वह आपस में आप दोनों के अंदर ही होना चाहिए, बाहर दूसरे को पता नहीं। यहां तक कि आपके माता पिता सास ससुर को भी ना खबर मिले, यह श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन की परिभाषा है। प्रियव्रत ने कहा योग्य पत्नी नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री वाहिष्यमती से विवाह होगा तुम्हारा, और भगवान विश्वकर्मा की पुत्री वाहिष्यमती से विवाह हुआ। भक्त प्रियव्रत ने वाहिष्यमती से विवाह किया, वाहिष्यमती और प्रियव्रत से एक पुत्र हुआ आग्नेद्र। आग्नेद्र के पुत्र नाभिक हुए,
और भगवान ने कहा था तुम्हारे वंश में मेरा जन्म होगा, इसीलिए भगवान नाभिक के यहाँ स्वयं भगवान नारायण ऋषभ देव के रूप में प्रकट हो गए। बोले ऋषभ देव भगवान की। यही भगवान ऋषभ देव से कहते हैं जैन धर्म चलना आरंभ हो गया। भगवान ऋषभ देव की सब संतानें हुई, सब संतानों में सबसे बड़ी संतान का नाम भरत हुआ। राम भरत वाला भरत ना है, ये वो भरत हैं जो सिंहों के दांत को गिना और सिंहों के दांत गिनने के कारण इस देश का नाम भारत पड़ गया। ऋषभ देव महात्मा इतने दिव्य महात्मा हुए जो वासनाओं से मुक्त हो गए, निर्वस्त्र रहने लग गए, भोजन का भी ध्यान नहीं, मिल जाए तो खा लो, ना मिले तो मांगना नहीं, जो मिल जाए वही सही, पानी मिल जाए तो पी लो, अपने से नहीं करना है, ऐसी कामना को रखने वाले ऋषभ देव जी को परमहंस की उपाधि दी गई। परमहंस हुए ऋषभ देव जी। यह गुण कहते हैं उनके बड़े पुत्र भरत पर भी आया। एक कोथाटा एकदम ध्यान दी कोरी सुनो। एक बार की बात है, भरत ने भी अपने पुत्र सुमति को राज्य दे दिया। सुमति राजा हुए और श्री भरत जी जंगल में सब कुछ राज्य परिवार को छोड़ करके जंगल में रहने लग गए। सुंदर जंगल में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक बार गंगा जी के किनारे भरत जी जल को लेने के लिए गए और कहते हैं जब भरत जी जल को लेने गए तो उन्होंने एक अद्भुत घटना देखी। ऐसा नहीं लोग बुलाओ ध्यान कोरी सुनवे, यही घटना था। भरत जी जब जल लेने लगे तो कहते हैं एक सिंह गर्भवती हिरणी को खाने के लिए दौड़ रहा है। सिंह हिरणी को दौड़ा रहा है और हिरणी प्राणों की रक्षा को लेकर आगे आगे भाग रही है। पीछे पीछे सिंह है, आगे आगे हिरणी है, पीछे पीछे सिंह, आगे आगे हिरणी है, कैसे बचा जाए। और कहते भागते 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 नदी के किनारे आ गई। आगे गंगा की धार तेज है, पीछे शेर है, शेर तो खा ही जाएगा, इसलिए चिंतन किया छलांग लगाओ, पार हो गई तो ठीक है, नहीं तो मरना तो है। और कहते हिरणी ने जैसे ही जोर की छलांग लगाई, पेट दबा, गर्भ नदी पर गिर गया और वह पार हो गई। प्रसव की पीड़ा के कारण हिरणी की मृत्यु हो गई। भरत जी यह सब देख रहे थे, भरत जी यह सब देख रहे थे। और श्री भरत जी ने जब यह सब देखा तो भरत जी के मन में बड़ा दुख हुआ। मनी मन श्री भरत जी सोचने लगे कि बेचारा हिरण भी मर गया और ये गर्भ में रहने वाला छोटा सा हिरण का बच्चा जन्म लेने से पहले इसके पास काल था, जन्म हुआ भी तो काल के मुख में चला गया। ममता जगी, भरत जी ने उस हिरण को गोद में ले लिया, आश्रम ले आया। एकदम ध्यान देकर ही सुनवे, आश्रम ले आए भरत जी और आश्रम ला करके भरत जी उसका लालन पालन करने लगे। अब भरत जी लालन पालन करते हैं और धीरे धीरे लालन पालन करने के चक्कर में भगवान का भजन कम होने लग गया। भगवान का भजन कम होने लग गया, भगवान का कीर्तन कम होने लग गया। और अब जैसे जैसे हिरण बड़ा होने लगा, भरत जी का मन हिरण में लगने लगा। माला जप रहे हैं, आज आंख बंद नहीं होती, हिरण को देखते कहां चली गया, कहां चला गया, कहां चला गया। और थोड़ा सा कहीं जाता तो कहते माला छोड़ करके हिरण को पकड़ने जाते, जंगल में कोई शेर ना खा जाए।
और पता है समय का चक्र है, समय बीता, भरत जी की मृत्यु आ गई, मौत आ गया दरवाजे, प्राणों का हरण करने लगा मौत। प्राणों का हरण करने लगा मौत, और मौत प्राणों का हरण जैसे ही करने लगा भरत जी का, अब भजन में मन नहीं लग रहा है। कहां मन जा रहा है? भरत जी का मन जा रहा है हिरण पर। मेरे मरने के बाद हिरण का क्या होगा? मरने के बाद हिरण की रक्षा कौन करेगा? एक तो सत्य कथा बोलची, यही जन्ने आमी बोली नित्य कम से कम एक मिनट ही सही भगवान का भाव से भजन करो, नहीं तो मरने के समय अमर बेटी, अमर बेटा, अमर नाती, अमर नातिना, अमर घर, अमर बाड़ी, अमर सगो संबंधी, एगुलाई देखा होवे। हम देखते बेड में पहुंच गया है, वेंटिलेटर में आ गया है, फिर भी भगवान का ध्यान नहीं। एक बार वीडियो कॉल अमर बेटी की दिखाई दो बाबा, अंतिम बार, आर कोनो बाचबो ना है बाचबो, एक बार इसीलिए कहते हैं हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन तेरा साथ चलेगा, हरि नाम गाने वाले
सेवा करो दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो, मोह सब दूर करो नाम प्रभु से भजो, मोह सब दूर करो हरी का भजन करो हरी है हमारा। दिन भर इधर उधर के काम में व्यस्त रहते और सोचते हैं जखन बूढ़ा होबो तखन गोलाई तुलसी माला ली करी ठाकुर नाम करो, नहीं होता है। कहा था ना श्वासों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहां पर, प्रभु का तू नाम ले ले यही आसरा यहां पर। लोगों को बोलो भगवान का कीर्तन करो भगवान का भजन करो तो क्या तर्क देते हैं लोग जानो, बाबा गृहस्थ जीवने अनेक मुश्किल की करी होवे, এদিকে দোকান যাতে হবে মার্কেট যাতে হবে পয়সা কামাতে হবে ঘর আসে রাত্রে লেট হয়ে যায় এইটা দেখবো সেইটা দেখবো এই জন্য যখন বুড়া হব, বুড়া হওয়ার পরে কীর্তন করব। ইসিলিয়ে তো হাম সবকো পহলেই বলতে ডেইলি এক মিনিট কত বেশি দরকার নাই, এক মিনিটেই তো করো, আর যদি নাই করবে না সেই বুড়া কালে এই সবে দেখা হবে, বিটিকে ফোন করো বেটাকে ফোন করো। सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी सहजादी आएगी, सहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।
মন্দির ভোজন তোমরা বুঝতে পারছে তো? ধ্যান দি করে বুঝবে। পেছনে যত লোক বসে আছে না, তোমাদেরকেও বলছি, আগের লোকগুলাকে তো আমি ভালো করে দেখতে পাচ্ছি, এরা ধ্যান করে শুনছে কি না, তোমাদের মাথাগুলো অত ছোট ছোট দেখাচ্ছে আমাকে। তোমরা হাত তালি দিচ্ছ কি না আমারকে কিছু দেখাচ্ছে না, সামনে চারটা লাইট লাগা আছে। छोटा सा है तू, बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा है तू, बड़े अरमान है तेरे। आदमी अनेक छोटा, बाकी मने अरमान अनेक बड़ो। छोटा सा है तू, बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा है तू, बड़े अरमान है। ध्यान दी करी सब पे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मेरा तो बोष्ट अनेक लोग मोरार पोरे कुताय जावे माटिए जावे कि नहीं। আর যাদেরকে জিনকে জিনকে শরীর কো জলায়া ভি যায়েগা, ও ভি মিট্টি কে মুঠি ভর মিট্টি মে বদল যায়েগা। ইসলিয়ে কহ রহে হ্যায়, মিট্টি কা তু সোনে কে সামান হ্যায় তেরে, মিট্টি কা তু সোনে কে সামান হ্যায় তেরে। এ মিট্টি কা ইয়া মিট্টি মে কিস দিন সমায়েগি, কিস দিন সমায়েগি। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। सजदज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम। ध्यान दी करी सुनवे। धन दौलत से खाली होंगे एक दिन तेरे हाथ, धन दौलत से खाली होंगे एक दिन तेरे हाथ। जो पैसा कमावे कमाई लो, आमी एक एक कथाटा कोनो दिन बोलबे ना पैसा दरकार ना, खूब कमाओ। बाकी एटा मने राखबे, जखन तुमी मरबे तुम्हार हाथे एक टाकाओ थाकबे। धन दौलत से खाली होंगे एक दिन तेरे हाथ, धन दौलत से खाली होंगे एक दिन तेरे हाथ। अंत समय भगवान भजन जाएगा तेरे साथ, अंत समय भगवान भजन जाएगा तेरे साथ। उस दिन तुमको भागवत की याद आएगी, याद आएगी। ना सोना का आएगी ना सोना कम आएगा ना चांदी।
किए हैं मरण तूने पाया मानव तन। सत्य कथा इटा पूर्व जन्मेर कर्म तुम्हारे भालो आछे नाले कोनो लोग मुर्गा मुर्गी सुअर मछली कुकुर छागल और पता नहीं क्या क्या बनते हैं। अच्छे किए थे कर्म तुमने पाया मानव तन। अच्छे किए कर्म तुमने पाया मानव तन। पापों में क्यों डूबा है ये पापी चंचल मन। पापों में क्यों डूबा है ये पापी चंचल मन। जन्मों का याद रख ले मनुष्य जन्म बहुत पुण्यों के उदय के बाद मिलता है। भागवत में कहा ना भाग्यो उदय न बहुजन समर्जिते न सत्संग च लभते पुरुषो सदा वे। जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है तब मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्मों में जब बहुत पुण्य का उदय होता है तब भागवत की कथा। इसलिए कह रहे यह मनुष्य का जन्म मिला है, अब इसमें पाप मत करो, पुण्य का काम करो, भगवान का भजन करो। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। पापों में क्यों डूबा है ये पापी चंचल मन। पापों में क्यों डूबा है ये पापी चंचल मन। पाप की नैया जिस दिन तुझको डुबाएगी, तुझको डुबाएगी ना सोना कम आए। काम नहीं आएगा, एक ही चीज काम आना है, अंत समय भगवान भजन जाएगा तेरे साथ। अंतिम समय सिद्धू ठाकुर नाम। कल कोई बांग्ला भजन गाइले ना, यही शब्द गुलाई तो छिलो। अंतिम समय में केवल भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन। अच्छा एकटा कथा बोलबो, सब लोग एक कथाटाई बोले अंतिम समय ठाकुर नाम, अंतिम समय ठाकुर नाम। तुमराव जानो ओई कथाटा जानो कि नाय बोलो। आमी कोनो नूतन जिनिस बोलछि नाय, आमी कोनो नूतन जिनिस बोलछि नाय, आमीओ तो सही कथाटाई बोलछि। जन कथाटा तुमरा जानो, बाकी कोनो लोग एक कथाटा निजेर चरित्र उतारे नहीं, अपने जीवन में इस चीज को नहीं उतार दे। केवल सुन रहे हैं भगवान का भजन है, भगवान का भजन है। बूढ़ा काले जन्ने भोजन रखबे ना, बूढ़ा काले ठाकुर नाम होए नहीं। हमको लोग पूछते हैं इतने जवानी में बाबा जी काहे बन गए। बोलते बाबा तुम्हें 14-15 बच्चों के घट्टा के ने छाड़ ले। आमी बोल ली यार आरो आमा के जन्म लिवार ना है, ऐ जन्मोटा ही पूरा करते होगे जो तो पाप तापा छे।
भरत जी की मृत्यु हुई और भरत जी मरते मरते हिरण का ध्यान कर रहे हैं। हिरण को कौन पालेगा, हिरण को कौन पालेगा, मर गए, अंतिम समय हिरण का ध्यान किया, इसलिए अगला जन्म हिरण का हो गया, हिरण बन गए। और हिरण भरत जी के पास था, भरत राजा थे, इसलिए हिरण का अगला जन्म राजा हो गया, राजा रघुगुण के नाम से जाने गए। हिरण राजा रघुगुण हो गया और भरत जी हिरण, लेकिन पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण भरत जी ने वह हिरण का देह छोड़ा, अगला जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और जड़ भरत के नाम से जाने गए। की नाम है लो, जड़ भरत, जड़ भरत नाम। जड़ भरत जी भगवान का भजन करने लगे, घर वालों ने सोचा कोई काम का आदमी नहीं, घर से धक्के देकर निकाल दिया। घर से निकाल दिया जड़ भरत जी, दरवाजे में सड़क किनारे बैठे बैठे केवल भगवान का भजन करते हैं, कोई खाना दे जाए खा ले, ना दे तो भूखे ही भगवान का भजन। कहते एक दिन राजा रघुगुण जो पूर्व जन्म में हिरण था वो गुरु खोज रहा था और गुरु खोजने के लिए एक पालकी में सवार होकर जा रहा है। पालकी के सेवकों ने सोचा ये जड़ भरत मोटा तगड़ा है, इना कई पालकी दी दो, मोटो मानुष की करबे, हम लोग थक गए हैं, कामचोर आदमी अपना काम दूसरे को दे देता है। ए देख ली मेरे हम ही आसची किचु कौन पड़े। चारों लोगों ने सोचा पालकी के चार, पालकी को चार लोग उठाते हैं ना, सोचा रह ये 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 आदमी मोटा तगड़ा है, इसको पकड़ो, बोला इसको नहीं दिखे आए। भरत जी गए, बोले तुम मोटे तगड़े हो, पालकी पकड़ो, हम थक गए हैं। और भरत जी अभी भजन गाया था ना, दीनों पे दया करो बने तो सेवा करो, भरत जी सेवा कर रहे हैं, पालकी पकड़ा, लेकिन भरत जी चल नहीं पा रहे हैं, कहने भरत जी सोच रहे हैं कहीं जमीन पर कोई कीड़ा नहीं आ जाए। तीन लोग एक जैसे, अब जमीन का छोटा छोटा कीड़ा देखने के लिए बैठना पड़ेगा, भरत जी बैठ जाते हैं और जैसे ही बैठते पालकी झुकती, राजा इधर से उधर होता, भरत जी देखते कोई नहीं है, फिर उठते राजा फिर टेढ़ा होता। अब तो पालकी एक बार सीधे होता एक बार नीचे होता, एक बार सीधे होता एक बार नीचे होता, राजा को गुस्सा, अरे कौन है, भय नहीं लगता है, पालकी सही से नहीं चला रहे हो, पालकी तरीके से नहीं चला रहे हो, पालकी तरीके से नहीं चला रहे हो। सेवकों ने कहा नया सेवक आया है, चलाने नहीं आता, एक बार बैठता एक बार उठता है। राजा ने कहा ठीक से चलाओ नहीं तो मृत्यु दंड दे दूंगा। जड़ भरत ने हंसते हंसते कहा राजन आप कौन मृत्यु दंड देने वाले हैं, मारने वाला भगवान है, बचाने वाला भगवान है, कोई नहीं मार सकता, और जब मरना होगा तब मर जाएंगे। राजा को लगा कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा है, रथ रुकवाया, पैरों पर गिर गए। जड़ भरत ने कहा अरे तू तो पूर्व जन्म में हिरण था, पूरी कहानी बताई। इसलिए अंतिम समय में भगवान का भजन, मरते मरते भगवान का नाम जप हो जाए, इससे बड़ा और कोई काम नहीं। बचपन से आदत डालो, इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को कथा में ले जाओ, मंदिर ले जाओ, भगवान के सामने हाथ जुड़वाओ, राधे राधे कृष्णा कृष्णा बुलवाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे बुलवाओ। क्या पता बुढ़ापे में मरने के समय उनको ध्यान आ जाए। परीक्षित जी ने बोला ऐसा होता है क्या, कहने लगे बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होता है। कहते हैं उत्तर प्रदेश नाम के राज्य में कन्नौज नाम का एक जिला है, कन्नौज नाम के गांव में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है।
बाल्यावस्था में आपके अपने पिता के साथ मंदिर भजन करने पूजन करने जाता था। एक बार की बात है, ध्यान दिए सुनवे, एक बार की बात है, अजामिल जंगल में जा रहा था, एक वैश्या के साथ किसी पुरुष को गलत कर्म करते देख लिया। सो जैसे देखा मन चंचल है, मन काबू में नहीं रहा, वैश्या के तरफ आकर्षित हुआ, वैश्या का संग किया, मन वैश्या में लग गया। हमारे गुरुदेव कहते हैं, गलत काम मन में इच्छा होते हुए भी, मोने राखबे, गलत काम मोने इच्छा होवार पोरे हो, एक बारो करबे ना है। केने यदि गलत काम एक बारो तुमी करले तो बार बार करार मन होवे। और गुरुजी बोलते हैं, अच्छा काम भालो काम मने इच्छा जदि नायो होवे ताओ बार बार करवे। अजामिल ने वैश्या का संग किया, वैश्याओं में मन लग गया और वैश्या से विवाह करके घर ले आया, घर ले आया। आठ पुत्र हो गए अजामिल के, कितने? आठटा, आठ संतान हुई। चोरी करने लगा, गांव के लोग परेशान हो गए। एक दिन की बात है, गांव में कुछ बाबा महात्मा आए और साधु महात्मा का काम भिक्षा मांग करके खाना है, भिक्षा मांग रहे थे। एक आदमी ने सोचा, इसको भिक्षा मांगने अजामिल के घर भेज दो, अजामिल के घर में भिक्षा मांगेगा, भिक्षा तो मिलेगा नहीं, डंडा मिलेगा। और डंडा जैसे ही मारेंगे महात्मा गुस्सा हो जाएंगे, हाथ में जल लेंगे और श्राप दे देंगे, अजामिल जल करके भस्म हो जाएगा, हम लोग अजामिल से छुट्टी पा जाएंगे, मुक्त हो जावे अमादेव ग्राम। महात्मा अजामिल के घर गए, आवाज लगाई, भिक्षा दे। अजामिल घर पे नहीं था, पत्नी घर पर थी। अजामिल की पत्नी निकली, अजामिल की पत्नी ने कहा, महात्मा आज तक हमारे घर में कोई भिक्षा मांगने नहीं आया, आप हमारे दरवाजे आए हैं, भिक्षा देने का मन तो है लेकिन मैं पापी हूं, कुलघातनी हूं, मेरा चरित्र उज्जवल नहीं है, चरित्रहीन स्त्री हूं, इसलिए मेरे हाथ का दिया हुआ दान आपको खाने योग्य नहीं, मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन आपके पाने योग्य नहीं। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मत बनाओ, तुम तो सूखा प्रसाद हमें दे दो, आटा दे दो, चावल दे दो, हम खुद ही बनाएंगे, खुद ही पालेंगे। महात्माओं ने घर के दरवाजे सूखा भात चावल रोटी बनाया, और जैसे ही बना रहे थे अजामिल पहुंच गया, देखा साधु महात्मा, डंडा हाथ में लिया, भाग भाग भाग। जैसे ही आवाज लगाई पत्नी को, अजामिल की आवाज आई, अजामिल की पत्नी घर से बाहर निकली, क्या हुआ? और जैसे ही पत्नी को देखा, अजामिल चुपचाप शांत हो गया। क्यों? अभी बताया था ना, शेर भी पत्नी के सामने चूहा हो जाता है। अजामिल की चाबी पत्नी के हाथ, क्या हुआ? ये महात्माओं को हमने भोजन दिया है बनाने के लिए। अजामिल ने कहा, कुछ नहीं, हम तो प्रणाम कर रहे थे। महात्माओं ने सोचा, इसकी चाबी पत्नी के पास, खाना खाया, प्रसाद पाया। एक साधु महात्मा ने कहा, ये पापी है और महात्माओं ने इसका अन्न खाया है, इसलिए इसका कल्याण करना होगा, जीवन का कल्याण, जीव का कल्याण कैसे किया जाए, भिक्षा मांगनी होगी इससे। दूसरे महात्मा ने कहा, ये चोर भिक्षा देगा? आवाज लगाई फिर से, अजामिल हम जा रहे हैं लेकिन हमारा नियम है, बिना भिक्षा लिए हम जाते नहीं है। अजामिल बोला, भिक्षा अभी जितना मांग के रखियो सब लेकर के चले जाएंगे तुम्हारा। पत्नी निकली, क्या बात है,
महात्माओं ने कहा हमको भिक्षा चाहिए। क्या चाहिए भिक्षा में? महात्माओं ने कहा हमको पैसा रुपया नहीं चाहिए, तुम गर्भवती हो, हमें संकल्प दे गो, जो तुम्हारा यह गर्भ होगा, यह पुत्र होगा, इस पुत्र का नाम नारायण रखना, इस बेटे का नाम क्या रखना? नारायण। नाम भी बहुत प्रभावशाली होता है। लोग नाम नाम रखते हैं, चिंकी, पिंकी, टिंकी, रिंकी, रिंकू, मिंकू, टिंकू, सिंकू, मिंकू। एगुला नाम वालों ना है। नाम कार हुआ उचित, ठाकुर नाम, सुंदर नाम रखो। भगवान का नाम रखने में लोगों को शर्म आती है। भगवान का नाम नहीं रखना चाहते। घर में भले ही नाम भगवान का हो गया, स्कूल में नाम चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं, संकल्प करवा दिया छोटे पुत्र का नाम नारायण, बालक हुआ नाम नारायण रख दिया। समय बीता, काल आया, अजामिल के प्राणों का हरण करने लगा। अजामिल ने पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, कोई नहीं आया। छोटे बालक पर मन लगा, आवाज लगाई, नारायण नारायण बचाओ। और जैसे ही नारायण नारायण कहा, बचपन का ध्यान आ गया, नारायण के मंदिर जाता था मैं तो, जगन्नाथ है वो तो नारायण। और हाथ जोड़ करके भगवान जगन्नाथ का ध्यान करने लगा, भगवान को पुकारने लगा। और कहते भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, भगवान के पार्षदों ने यमदूतों के साथ युद्ध किया और अजामिल को मौत के मुंह से बचा दिया। एक महीने तक अजामिल जीवित रहा। और कहते हैं एक महीने तक अजामिल ने भगवान का भजन किया, पापी अजामिल, वैश्याओं का संग करने वाला अजामिल भी मुक्त हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, आपने कहा था हिरणाक्ष हिरणाकश्यपु दो भाई थे, हिरणाकश्यपु ने क्या किया? कहते हिरणाकश्यपु, हिरणाक्ष के मरने के बाद हिरणाकश्यपु बहुत दुखी हुआ, हिरणाकश्यपु बहुत रोने लगा, मां रोने लगी हिरणाकश्यपु की। हिरणाकश्यपु ने संकल्प लिया कि मैं नारायण का वध करूंगा। कैसे? तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया हिरणाकश्यपु। ध्यान दिए सुन बे, हिरणाकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया। देवताओं ने कहा कि ये तपस्या करेगा, वरदान पाएगा तो नारायण भगवान का तो पता नहीं, हम लोगों को जरूर मार देगा। तपस्या तोड़ो। कैसे तोड़ा जाए? देवगुरु बृहस्पति को भेजा और देवगुरु बृहस्पति तोता बन करके गए मिठू, और तोता बन करके देवगुरु बृहस्पति हिरणाकश्यपु के पास बैठ करके नारायण 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 नारायण। हिरणाकश्यपु की समाधि नहीं लग रही है, तपस्या नहीं कर पा रहा है। क्यों? उसके दुश्मन का गुणगान हो रहा है। किसी आदमी को चिढ़ाना है तो सबसे अच्छी व्यवस्था है कि उसके दुश्मन की बड़ाई उसके सामने करो, फिर देखो राग को तो आसवे तो जानूंगा कि हेमन मानुष अभद्र मानुष। किसी आदमी को चिढ़ाना है तो उसके सामने उसके दुश्मन की बड़ाई करो, अंदर अंदर जलेगा। और हिरणाकश्यपु नारायण से चिढ़ता है। जैसे ही नारायण नारायण कहा, समाधि टूट गई, देखा तोता है, मानने के लिए भागा, तोता अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया। देव गुरु है, अंतर ध्यान हो गया, घर वापस आ गया। घर वापस जैसे आया, पत्नी कयाधु ने पूछा, क्या हुआ? आप तो तपस्या करने गए थे, की हुई तपस्या हो ही गेलो आपना? हिरणाकश्यपु ने कहा, नहीं नहीं, मेरा दुश्मन आ गया था, दुश्मन का गुणगान कर रहा था, कैसे तपस्या करते? कयाधु ने सोचा, आज तक जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया है,
कम से कम इसी बहाने नाम तो हो जाए। क्या तूने पूछा की नाम तुम्हारे दुश्मन ने? हिरण्यकश्यप बोले तुम्हें जानो ना है? क्या तू बोला ना हम एक बारो सुनी ना है की नाम अच्छे। हिरण्यकश्यप बोलने लगा मेरे दुश्मन का नाम नारायण है। बहुत जोर से चिल्ला कर बोला। कयादु ने सोचा चलो चिल्लाकर गुस्से में ही सही भगवान का नाम तो बोला। कयादु ने सोचा जब गुस्से में बोल सकता है तो प्रेम में भी बोल सकता है। और स्त्री पर मोहित हो गया हिरण्यकश्यप। पत्नी पूछने लगी तोता तो मीठा बोलता है, कैसे बोला तोता? तोता तोता नारायण बोला। क्या दिन पूछा एक बार बोला कितने बार बोला? बोले नहीं अनेक बार बोली लो। कतो नारायण 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 नारायण। क्या दिन सोचा 108 बार तो बुलवाई लू। भालो करी बोलो ना अनेक मिष्टी बोले मिठू पाकी। नारायण 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 आरो सुंदर नारायण नारायण नारायण। और ऐसे करते करते गर्भ में भक्त प्रहलाद आ गया। भगवान का नाम ले रहे थे गर्भ में प्रहलाद आ गया। दूसरे दिन तपस्या करने चला गया। भीषण तप किया हिरण्यकश्यप ने। इंद्र बहुत प्रयास किए तपस्या तोड़ने का, लेकिन नारायण का नाम लेकर तपस्या करने गया इसलिए तपस्या भंग नहीं हुई। इंद्र ने कयाधु के ऊपर आक्रमण किया। देवर्षि नारद आ गए। स्त्री पर वज्र प्रहार मत करो, इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त है। और लेकर के चले गए आश्रम में। नारद जी के आश्रम में तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का उच्चारण होता। गर्भ में बालक भगवान का भजन करने लगा। और बालक जब हुआ तो भक्त प्रहलाद हो गया। प्रहलाद भक्त बना, भक्त प्रहलाद हो गया। हिरण्यकश्यप ने भीषण तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। ब्रह्मा जी वरदान मांगा, ब्रह्मा जी अमर हो जाऊं मैं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर होने का वरदान हम नहीं दे सकते हैं, और कुछ वरदान मांगो। बोले ब्रह्मा जी ये बताओ ए सृष्टि रचना के कल्लो। ब्रह्मा जी ने कहा आमी कोरी छी। ए दिन रात के बना लो। ब्रह्मा जी ने कहा आमी। धरती आकाश ब्रह्मा जी ने कहा आमी। अस्त्र शस्त्र ब्रह्मा जी ने कहा आमी। मनुष्य राक्षस ब्रह्मा जी ने कहा आमी। ए बारो मास ब्रह्मा जी ने कहा आमी। तो कहने लग गया आशीर्वाद दे दो ब्रह्मा जी, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना धरती पर मरूं ना आकाश पर मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य मारे ना पशु मारे, ना देवता मारे ना राक्षस मारे। ब्रह्मा आपकी बनाई गई सृष्टि में मेरा कोई वध ना कर सके। और अंतिम वरदान ब्रह्मा आपकी बनाई गई 12 महीने में मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और वरदान दे करके जैसे ही आए देवता ने कहा ना धरती पर मरेगा ना आकाश पर मरेगा, ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा, ना दिन में मरेगा ना रात पे मरेगा, ना देवता मारेंगे ना दानव मारेंगे, ना पशु मारेंगे ना पक्षी मारेंगे, ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा, 12 महीने में मरेगा ही नहीं तो ब्रह्मा मरेगा कब? ब्रह्मा जी ने कहा आम ही जानी ना है। राजा हो गया हिरण्यकश्यप। छोटा सा बालक प्रहलाद था, गोद में बैठाया, पूछा बाप बेटे बताओ तीनों लोगों का स्वामी कौन है? प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहने लगे पिताजी तीनों लोगों का स्वामी तो वैकुंठधारी भगवान नारायण है। हिरण्यकश्यप हंसने लगा तुम्हारे गुरु नारद होई छे ना, ए जन्ने उल्टा पुल्टा सब सीखी गई। तुमको मैं असुरों की गुरुकुल में भेजता हूँ, पता चलेगा नारायण तो मेरे भय के कारण पता नहीं कहाँ छुप गया है।
तीनों लोग मैंने जीत लिया है, कोई मुझे नहीं मार सकता। गुरुकुल भेज दिया, षंडमर का आचार्य हुए, आचार्य षंडमर का हुए, खूब विद्या अर्जन कराई, खूब पढ़ाया लिखाया। एक दिन गुरुकुल में हिरण्यकश्यप पधारा, क्या पढ़ा तुमने? कहते पिताजी हमने पढ़ा तो सब कुछ, लेकिन सत्य एक ही है। क्या? तीनों लोक के स्वामी भगवान नारायण हैं। उठाकर जमीन पर पटक दिया, हाथ पर तलवार ले लिया वध करने के लिए, और जैसे ही तलवार लिया संडमर्क ने रोक दिया, रुक जाओ, छोटा बच्चा है, आपको मारना शोभा नहीं देता है, क्या करो, पहाड़ से फेंक दो। पहाड़ से फेंक दिया, नहीं मरा, अग्नि में जला दिया, नहीं मरा, विष पिला दिया, नहीं मरा, क्यों? वो कहते हैं ना, श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उनके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका रक्षक दया निदान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भोजन तो सुनी चुना तुमरा भगवान, बचाने वाला है। भोजन सुनी छो तुमरा अनेक पुन्ना भोजन और बहुत सुंदर बोले, ताली बजावे और अमर पेछाने पेछाने बोलवे, क्या बोल रहे हैं? त्याग दो भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, त्याग दो भाई फल की आशा, फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, त्याग दो भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो, क्या होगा इसकी चिंता, परद पिता पर छोड़ो। फल का चिंता मत करो, फल की चिंता भी छोड़ दो, इसीलिए कह रहे त्याग दो भाई फल की आशा, जगत पिता पर छोड़ो, त्याग दो भाई फल की आशा, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, उसका उसको क्या वाला है भगवान।
पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल तल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। जल तल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल केवल इसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का तोता यहाँ पे होता, उसी का तोता यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला 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 है वाला भगवान, बचाने वाला भगवान। आकाश में फेंक, आकाश से पाताल में फेंका फिर भी नहीं निरा। शंडवर्क ने कहा इसको दैत्य गुरु शुक्राचार्य को आने दो, उसके बाद इसे दंड दे करके भूखे रख करके पढ़ाया जाएगा। और भूखे रख करके भक्त प्रहलाद को पढ़ाया, मार मार कर पढ़ाया। तीनों लोगों का स्वामी हिरण्यकश्यप है, कहते भक्त प्रहलाद यही बोलता। एक बार की बात है, शंडमर्क आचार्य गुरुकुल के किसी काम से बाहर गए और प्रहलाद आश्रम में केवल श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सब बच्चों से कीर्तन करवा रहे हैं। शंडमर्क को पता चला, शंडमर्क ने सोचा यदि हिरण्यकश्यप को पता चलेगा ये भी मरेगा और इसके साथ साथ हम भी मारे जाएंगे, क्या किया जाए, इसका वध ही हो जाना चाहिए। लेकर के पहुंच गए हिरण्यकश्यप, महाराज ये आपका पुत्र नहीं, ये देवताओं का कोई छल है, इसे कितना भी मारो, भूखे रखो प्यासे रखो कुछ भी करो, माया भी है, इसे कोई अन्न देकर चला जाता है, कोई पानी देकर चला जाता है, भय नहीं है, हम मारते हैं हमारी लकड़ी पुष्पों की बन जाती है, अग्नि में बैठाते हैं अग्नि सुंदर पुष्पों की बन जाती है, ये माया भी है, आप इसका अंत करो। यह संपूर्ण गुरुकुल के राक्षसों के पुत्रों को नारायण भक्त बना रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा तुझे भय नहीं लगता है, मृत्यु का भय नहीं, तुझे मेरा भय नहीं, कौन तुम्हें बता रहा है, कौन तुम्हारी रक्षा कर रहा है। प्रहलाद ने कहा मेरी रक्षा मेरा भगवान जगन्नाथ कर रहा है, जिसके जगत में यह संसार है वह जगन्नाथ ही तो है, मेरा जगन्नाथ मेरी रक्षा कर रहा है, कहाँ है तुम्हारा भगवान। कहने लगे पिताजी मेरा भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और जिस खंभे में आप मुझे बांधने जा रहे हैं उस खंभे में मेरा भगवान है। क्रोध में आकर के गदा उठाया, पहले तुम्हारे भगवान को मारूंगा फिर तुम्हें मारूंगा, और जो ही गदा प्रहार खंभे पर किया खंभा फट गया, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, बोले नरसिंह भगवान की, भगवान नरसिंह प्रकट हुए, देखते देखते भगवान बड़े हो गए, गदा लेकर के आए। हिरण्यकश्यप ने कहा यही तुम्हारा भगवान,
और कहते प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान है। युद्ध आरंभ हुआ भगवान से, भगवान ने हिरण्यकश्यप का गदा फेंक दिया, हाथ पर पकड़ लिया, दरवाजे पर जाकर के बैठ गए और कहने लग गए याद कर लो ब्रह्मा का वरदान, न घर के भीतर न घर के बाहर, दरवाजे पर न धरती पर न आकाश पर, मध्य में न दिन में न रात में, संध्या में न अस्त्र से न शस्त्र से न खूनों से, न नर न पशु, मैं तो नरसिंह हूँ, न देवता न दानव, मैं तो भगवान हूँ। और 12 महीने में नहीं, यह पुरुषोत्तम मास है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया और तुमने कहा ब्रह्मा द्वारा बनाया गया कोई मुझे ना मार सके, मैं वह हूँ जो ब्रह्मा को जन्म देता हूँ। भगवान ने चीर दिया और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की, हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया, चारों तरफ जय जयकार होने लगा, घंटनाद होने लगा, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा। भगवान नरसिंह क्रोध में है, देवता आ रहे हैं भगवान की वंदना कर रहे हैं, प्रभु शांत हो जाओ। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, देवता आ रहे हैं, देवता बार बार कह रहे हैं प्रभु अपना क्रोध शांत करो, प्रभु अपना क्रोध शांत करो, प्रभु अपना क्रोध शांत करो। लक्ष्मी आई, वह भी शांत कराई, नहीं शांत हुए। भगवान देवर्षि नारद ने कहा जिनके लिए भगवान आए हैं वही भगवान का क्रोध शांत करा सकते हैं। किसके लिए आए? प्रहलाद के लिए। और प्रहलाद कहने लग गया दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए, अब गुण मोरे विसारिए, हरि भव से मुझको तारिए, अब गुण मोरे विसारिए, मेरे अब गुण मोरे विसारिए, ओ अब गुण मेरे विसारिए, प्रभु भव से मुझको तारिए, प्रभु भव से मुझको तारिए, दीन बंधु अपना हाल सुनाए, ये कैसे हो सकता प्रभु जी जो दिल से तुम्हें पुकारे, अब तो जैसे तैसे प्यारे, हो अब तो जैसे अंत कहीं ना जाए, दीन बंधु दीनानाथ।
प्रभु मेरे तरफ देखो, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने गोद पर उठा करके बैठा लिया, जीभ से चाटने लगे। भगवान ने कहा, प्रहलाद तेरे वंश में मैं किसी का वध नहीं करूंगा, जाओ मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। मैं जीवन दान देता हूं, तेरे वंश में किसी का वध नहीं होगा और तेरे वंश में जो भी आएगा वो मेरा भजन करने वाला आएगा, भगवत भक्त आएगा। राजा परीक्षित ने कहा, हिरण्यकश्यप को अभिमान आया था, अभिमान मृत्यु का कारण बनता है, लेकिन मुझे यह बताओ, अभिमान करने वाला मनुष्य यदि अंतिम में भगवान को पुकार ले तो क्या भगवान उसकी सुनते हैं? कहते बिल्कुल सुनते हैं। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने कई हथनी पत्नियों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहा है। ध्यान देकर सुनो, गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण कर रहा है, अभिमान है बलशाली होने का। और कहते बल अभिमान के कारण जल में गया, जल में सूर में पानी भरता, पत्नियों के ऊपर फेंकता, भरता फेंकता, जल कीड़ा कर रहा। एक मगर ने पैर पकड़ा, पकड़ने का आभास तो हुआ लेकिन सोचा कि मैं राजा हूं, कोई प्रणाम करने आया है। ध्यान नहीं दिया, किसने पैर पकड़ा? मगर। किसने पकड़ा? जोर कोरी बोलो, आरो जोर। अमी काला सुनते पारी ना, जोर कोरी। किसने पकड़ा? मगर ने। जोर से बोलो, पीछे वाले लोग तो फेविक्विक लेकर के आए कि लिपस्टिक की चिंता, बोली दिले लिपस्टिक साइड हो जावे, मुख तक खुलो। किसने पकड़ा? मगर ने। मगर ने सबके जीवन को पकड़ रखा है। भागवते जाबे की बोलबो, सुंदर तैयार हो ली, कपड़ पोड़ ली, सोब पोड़ ली, मगर वृंदावन गेछिले की बोलबो, घर थेके बेराली, कपड़ चुपड़ सूटकेस बैग सब ली करी, उत्कल एक्सप्रेसो धोली टाटा थीके, मगर ये हो गया, मगर वो हो गया, मगर ये हो गया, मगर ये। मगर ने सबके पैरों को पकड़ रखा है। मगर ने गजेंद्र का पैर पकड़ा, गजेंद्र को लगा ये सब कोई जल का जीव है, प्रणाम कर रहा है। कुछ दिन बाद देखा मगर ने, भैया जल तो रक्तमय हो गया है, शरीर कमजोर हुआ, खींचने का प्रयास किया, निकाल नहीं पाया, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, ना निकाल पाया। पत्नियों को बोला, पत्नियों ने धक्का दिया, ना निकला। बच्चों को बोला, बच्चे धक्का दिए, नहीं निकले। एक सत्ती को था बोलती, यह संसार, यह रिश्तेदार नातेदार अड़ोसी पड़ोसी घड़ोसी धड़ोसी सब जो तो गुला अच्छे तुम्हारे, ए सब नातेदार रिश्तेदार सगो संबंधी जा छे, यह सब केवल स्वार्थ के हैं। जार काज थेके तुम्हार स्वार्थ शेष, तार काज थेके तुम्हार संबंधो
कोनो लोग बुरा मानवे ना है, हमी तो देखी छी जब पति पत्नी का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो पति पत्नी में भी तलाक हो जाता है। सत्ती को था बोल, इसीलिए यह संसार के सभी संबंध केवल और केवल स्वार्थ पर टिके हुए, कोई साथ नहीं देगा। गजेंद्र के पुत्र छोड़ छोड़ कर जाने लगे, पत्नी जाने लगी। एक बड़ा सुंदर सा भजन आता है, गजेंद्र गा रहा है, जल में कमल का पुष्प उठाया भगवान की तरफ किया और क्या कहता है, सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे है तुमने लाखों, गाओ अपना गाओ, गाओ कितनी सुंदर, कितना सुंदर भजन है। क्या कह रहा है भक्त, हो सुना है तारे है तुमने लाखों, सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें भी तारो तो हम भी जाने। निशाचरों भगवन है हमारे सिर भी है पाप भगवन, उसे जो तारो तो हम भी जाने, हमारे सिर भी है पाप भगवन, उसे जो तारो तो हम भी जाने। ना है तारे है तुमने लाखो, हमें जो तारो मेरी रक्षा करो, आप सबके पापों का नाश करने वाले हो। कितनी सुंदर बात है, हरा अहिल्या का श्राप तुमने मिटाया, सबरी का पाप तुमने मिटाया, सबरी का पाप तुमने, हमारे सिर भी है पाप भगवन, हमारे सिर भी है पाप भगवन, तारो तो हम भी जाने, हमारे सिर भी है पाप भगवन, उसे उतारो तो हम भी जाने, हमारे सिर भी है पाप भगवन, उसे उतारो तो हम भी जाने, हमारे सिर भी है पाप भगवन, उसे
खबर में हमारी नैया उतारो सागर से है कन्हैया, उतारो सागर से है कन्हैया। तुमरा गाछो की नहीं गाछ रे मुक्त खुलवे और भगवान से यही कहो जो गजेंद्र कह रहा है, पड़ी भवन में हमारी नैया उतारो सागर से है खवैया, उतारो सागर से है कन्हैया, उतारो सागर से है खवैया, उतारो सागर से खवैया। नादान है हम तुम्हारे मोहन, नादान है हम तुम्हारे मोहन, हमें जो तारो तो हम भी जाने, नादान है हम तुम्हारे भगवान, हमें जो तारो तो हम भी जाने, ना है लारे है तुम पुष्प उठाया, भगवान को बुलाया, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के पधार गए और भगवान ने ग्राह का मस्तक काट कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। अभिमानी मनुष्य भी यदि अंतिम में भगवान का स्मरण कर ले तो मुक्त हो जाता है। कहते प्रहलाद का पुत्र हुआ विलोचन, विलोचन के पुत्र राजा बलि, देवराज इंद्र को श्राप था लक्ष्मी जाने का, राजा बलि ने आक्रमण किया और इंद्र का लोक जीत लिया। इंद्र डरते डरते ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बहुत सारे राक्षसों ने हमारा लोक ले लिया, बहुत देवता मारे गए, इसलिए कृपा करके आप हमें हमारी रक्षा करो, हमारा लोक दिलवाओ। ब्रह्मा जी ने कहा यह काम भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने कहा राजा बलि का वध नहीं कर सकता हूं, क्यों? प्रहलाद का नाती है, इसलिए पहले तुम लोग अमर हो जाओ, उसके बाद युद्ध करके तुम राज्य को ले लेना। अमर कैसे हो जाएगा? अमृत पियो। अमृत कहां से आएगा? समुद्र मंथन से आएगा। कैसे होगा? देवता दानव समुद्र मंथन करेंगे, मंद्राचल पर्वत लाओ, वासुकी नाग लाओ। इंद्र ने कहा राजा बलि समुद्र मंथन में आएंगे, राक्षस तो हमको खाने के लिए दौड़ रहे हैं। कहने लगे राक्षसों की बुद्धि कम होती है, समझाओ तुम राजा हो, अमृत पियोगे अमर हो जाओगे। इंद्र गया समझाया, समुद्र मंथन की तैयारी हुई, मंद्राचल पर्वत आया, वासुकी नाग आया, एक तरफ देवता गए एक तरफ दानव गए और भीषण समुद्र मंथन आरंभ हो गया। देवता अपनी तरफ खींचे, दानव अपनी तरफ खींचे, देवता अपनी तरफ खींचे, दानव अपनी तरफ, और ऐसे मंद्राचल पर्वत घूमते 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 धीरे धीरे जल के भीतर जाने लगा, समाने लगा, अंदर जाने लगा। देवताओं ने भगवान को बोला प्रभु मंद्राचल पर्वत तो जा रहा है, समुद्र मंथन से अमृत कैसे निकलेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, भगवान नारायण ने कछुए का रूप धारण करके मंद्राचल पर्वत को उठा लिया। बोलिए कच्छप अवतार की। भगवान ने कछुए को रूप धारण करके मंद्राचल पर्वत उठाया, फिर समुद्र मंथन हुआ और जैसे ही समुद्र मंथन हुआ सबसे पहले समुद्र मंथन से विष निकला, जहर। कौन पिएगा? भोले बाबा को जहर पिला, बोला है ना।
लोग गांजा पीते हैं, बोलते भोले बाबा पीते हैं, भोले बाबा जहर भी पीते हैं। एक घूंट पीकर देखो, लोग नशा करते बोलते भोले बाबा नशा करते। कभी शिव पुराण सुनना, भोले बाबा को गांजा क्यों चढ़ता है, भांग क्यों चढ़ता है, धतूरा समीप पत्र क्यों चढ़ता है। पिए तो भोले बाबा जहर भी, 10 रुपया का पुड़िया लाकर रात में पीना, सुबह उठोगे नहीं। भोले बाबा ने जहर पिया, कंठ पर रोक लिया, नीला कंठ हो गया, इसलिए भगवान नील कंठेश्वर हो गए। बोले नील कंठेश्वर भगवान की जय हो। भगवान नील कंठेश्वर कहलाए। भगवान नील कंठेश्वर हुए, फिर समुद्र मंथन हुआ और सुंदर समुद्र मंथन से उच्च स्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि के पास गया। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र ने निकल लिया, कामधेनु नाम की गाय निकली, वह ब्राह्मणों ने ले ली। कौस्तुभ्य मणि भगवान नारायण ने ली, लक्ष्मी को भगवान नारायण प्रिय हो गई। और कहते ऐसे समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष निकला, वह स्वर्ग लोक चला गया। देवता दानव थक गए, कहते मंथन करो, कभी हाथी निकलता कभी घोड़ा निकलता। घोड़ा निकला, हाथी निकला, पेड़ निकल रहा, मोती निकल रहा, लक्ष्मी निकल रही, अमृत नहीं निकल रहा है। आकाशवाणी हुई, अमृत निकलने वाला है, फिर समुद्र मंथन करो। और जैसे ही समुद्र मंथन किया, भगवान नारायण कहते हैं, भगवान नारायण धन्वंतरी रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए भगवान धन्वंतरी की। भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर के आए। और जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लाए, देवता शांत हो गए, अमृत आ गया, लेकिन राक्षस अमृत पीने के लिए भागे। और जैसे ही भागे धन्वंतरी भगवान भागे, अमृत छलकने लग गया, छीना झपटी शुरू हो गया। ये तो भाग रहा है, हमको अमृत नहीं मिलेगा। हमारे एक खूब सुंदर स्वभाव जानो कि যদি আমার নাই হবে তো তোমারও হতে দিব না। লোকগুলা ঝগড়া করে এই এই ঝগড়া, যদি আমার হবে না তোমারও হবে না, দেখছি কেমন হবে, এসে করকে ঝগড়া হতা হয়। হম ইধর ঘুমতে হ্যাঁ তো লোক এসে, থানা হবে, পুলিশ হবে, কেস হবে, কোর্ট হবে, কচুরি হবে, সব করি করি। दानवों ने सोचा देवता का हमारा नहीं होगा तो देवताओं का भी नहीं होगा, क्या करो, अमृत को जमीन में गिरा दो, फेंक दो। हंडी का खींचा झपटा होने लग गया और अमृत हिलने लग गया, गिरा धरती पर, हरिद्वार में गिरा, प्रयाग में गिरा, उज्जैन में गिरा, नासिक में गिरा, जहां 12-12 साल बाद सुंदर कुंभ का मेला लगने लगा। देवताओं के हाथ से अमृत गया दानवों के पास, और दानव आपस में लड़ने लगे, हम पहले हम पहले हम पहले हम पहले। देवताओं ने भगवान को कहा, प्रभु अब क्या होगा। भगवान ने कहा, चिंता क्यों करते हो, हम है ना। भगवान ने सुंदर सा मोहिनी रूप धारण किया, स्त्री बन गए भगवान। देवताओं ने देखा, मोहित होने लगे। देवगुरु ने कहा, भगवान का मुख न देखो, भक्त को भगवान का पैर देखना चाहिए। पैर देखा तो शंख दिखे, भगवान के पैरों पर वह पद्म चिन्ह दिखने लगा, पहचान गए भगवान नारायण है, भगवान आए हैं। भगवान गए दैत्यों के पास, दैत्य मोहित हो गए, कहने लगे, अरे मोहिनी अमृत तुम पिलाओ अपने हाथ से। भगवान ने कहा, पहले नहा धोकर आओ, बिना नहाए धोए अमृत नहीं पिलाएंगे, स्नान करो। और समुद्र में स्नान करने गए भगवान, अमृत देवताओं को पिलाने लगे। कहते हैं सूर्य चंद्र के बीच में राहु नाम का राक्षस बैठा, भूल से भगवान ने अमृत पिलाया। चंद्रमा के आपत्ति जताते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा करके जैसे ही काटा, मस्तक अमृत के प्रभाव से अमर हो गया, नीचे का भाग केतु हुआ, उसे भगवान ने फेंक दिया, राहु हो गया। देवता और दानवों में भीषण युद्ध हुआ, अमर होने के कारण देवताओं ने राजा बलि को मार डाला, मृत्यु हो गई राजा बलि के। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से राजा बलि को अमर कर दिया, वापस जिंदा कर दिया। शुक्राचार्य ने कहा, देखो अब आपको युद्ध नहीं करना है, यज्ञ करना है, यज्ञ करो, यज्ञ से
हम तीनों लोग तुम्हें प्रदान कर देंगे। राजा बलि का यज्ञ कराने लगे और यज्ञ का प्रभाव ऐसा हुआ कि इंद्र का सिंहासन खुद चल करके राजा बलि के पास आ गया। तीनों लोग राजा बलि के सामने झुक गए। इंद्र के हाथ से फिर सिंहासन गया। इंद्र दुखी मन से भगवान के पास गए, प्रभु सब कुछ चला गया। भगवान ने कहा अब क्या करें? कहते कुछ भी करो। माता अदिति आई, कहने लग गया प्रभु चाहे भिक्षा मांगना हो तो भी मांगो, लेकिन इंद्र का लोक दो। भगवान ने कहा माता व्रत करो, मैं सुंदर महीने में आपके यहाँ जन्म लूंगा। माता अदिति ने व्रत किया और भगवान नारायण सुंदर वामन रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन देव भगवान की। भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए और जैसे ही वामन बन के भगवान आए, माता अदिति ने कोपिन पहना दिया, कश्यप जी ने मेघला दे दी और कहते हैं बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, देवताओं ने माथे पर तिलक कर दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल धारण करा दिया और भगवान शिव ने गले पर रुद्राक्ष की माला दे दी। भगवान ने गोलोक धाम से छत्र आसन ले लिया और भगवान राजा बलि के दरवाजे खड़े हो गए। भिक्षाम दे, कहाँ है भगवान को बुलाओ। हरि वामन का भेष बनाया, राजा बलि को हरने आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को चलने बनाए, राजा बलि को चलने आए।
बली को चलने आए ध्यान दे और देखिए कि बावन भगवान का वो सब है या नहीं है। अगर है तो बावन भगवान है, अगर नहीं है तो नहीं है। ओ कांधे जनऊ धरे सिर पे चोटी धरे, कांधे जनऊ धरे सिर पे चोटी धरे, पावन भगवान का पैर कैसा है देखिए। ओ इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पांव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पांव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पांव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पांव। आप लोग जो लोग खड़े हो रहे हैं, यदि खड़े होंगे तो बामन भगवान को मंच में बुला लेंगे। बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी। ऐसे नहीं होना चाहिए। तीन गिनूंगा, तीन तीन गिनूंगा, तीन। और तीन गिनते जो नहीं बैठेगा वो महामूर्ख होगा। तीन गिनते बैठ जाना, एक, जल्दी बैठो। जो तीन गिनते नहीं बैठेगा वो मूर्ख होगा। दो, ताड़ी बसो रे मूर्खों को लावे तुमरा। ढाई, पौने तीन, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे छोली, भगत
सर्व से अपना मान ले रे ये कहना मेरा, मान ले रे ये कहना मेरा, मिट जाएगा फल भी तेरा ये हो, मिट जाएगा फल भी तेरा ये जन्म जन्म राधारानी सरकार की श्रीमद भागवत महापुराण की। भगवान वामन आए गीता गीता लेकर के एक बार मंच पे आ जाएं। वहां गीता ले आई है। वामन भगवान ने सबों को कथा बता है। राजा बलि से कहा, राजा बलि को वामन भगवान ने संकल्प कराया तीन पग भूमि का। समय पूरा हो गया, आज पौने दस हो गया है। इन लोग तो हम तो लेट आते हैं, हमसे पहले आए हुए 5 बजे से। बोलेंगे बाबा जी 6 घंटा हो गए छे बोसी बोसी काल दिवे, तुमरा तो लेटे आसो, आमियो बोसी आछी एक ही आसो। भगवान वामन ने तीन पग भूमि में
दो पग भूमि में सर्वस्त्र नापा, धरती लोक आदि अंतरिक्ष लोक को नापा। तीसरा पग भगवान ने राजा बलि के माथे पर रखा, रसातल का राज्य दिया। शेष कल हम लोग यहाँ से कथा का श्रवण करेंगे। पामन भगवान तक की आज कथा, कल हम लोग कथा में भगवान राम जन्म की कथा, रामावतार की कथा, और रामावतार की कथा के साथ साथ कल हम लोग भगवान कृष्ण के जन्म की कथा का भी श्रवण करेंगे। ए जन्ने आमी बोलछी तुमरा एक्ट को जल्दी आसबे, और काल के जो है तुमरा सबाई के नाचते होवे, ठीक आछे? ठाकुरेर भोजन क्यों नृत्य करे ना, बाकी अखन रोडे बैंड बाजा बाजबे तो ढम 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 होते थाकबे, तुमरा नाचते थाकबे। काल के जदि कोन लोग नाय ना नृत्य करलो ओनार पा खराब हो जाबे, जेमन पारबे सेमन करते होबे। आजके तेल मालिश करी घुमाबे, ठीक आछे? तो हाँ, एक टुकु तो कम से कम हाथ तुली करी नृत्य करते ही होबे काल के। हां, सो भाई टाइम है ठीक है आसबे। आज देखो एक चीज आप लोगों को दिखा रहे हैं, बड़ा अद्भुत चीज है। ये श्रीमद् भगवत गीता है, और ये श्रीमद् भगवत गीता बोलने वाली गीता है, छुओगे तो बोलती है, है ना? ये आपको दिखा रहे हैं, इसमें बोलेगी कैसे? हमारे पास ये भाई लोग कई दिनों से कह रहे थे, स्वामी जी आपको दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये लोग टाटा से आए हैं, आज बहुत देर से बैठे रहे। देखो ये इसका पेन है, यहाँ से ऑन होता है, ऐसे ये पेन ऑन हुआ है ना? और ये देखो ये गीता है, ठीक है? ये गीता, अब देखो साउंड फुल है ना, इसमें हमने इसको छुआया, सुनना। यही बोल छे खोलिए, बीच का कोई भी कन्ना खोलिए, कोई श्लोक खोलिए। আচ্ছা আচ্ছা, এটা সংস্কৃতও আছে, হিন্দিও আছে, আর ইংলিশও আছে। দেখো আমি একটা শ্লোক ছুটছি। ধৃষ্ট কে তুষ্ট কি তানহ কাশী রাজশ্চ বীর্যবান পুরুজিত কুন্তি ভোজশ্চ শৈব্যশ্চ नरपुंडमः। एड़ा को हिंदी। धृष्ट केतु और चेकिता तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं, पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई, तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी है। देखो और एड़ा ना कोनो कोनो जगह खुली दो, किचु खुली दो, इंग्लिश से दिवो, ये देखो बुझबे तुमरा। This most wonderful Maya of mine, consisting of the three gunas, is extremely difficult to overcome. However, এটা যতগুলা চিত্র আছে ওইগুলাও বলবে, দেখো। এটা চার্জার আছে ইয়ার, চার্জ করি এই রকম। কোন লোক যদি পড়তে জানে না, বাঁশুরি দেখো, বাঁশুরি বাজবে পুরা কিতাব।
তাই যা তুমি ছুঁই দেবে এই পেন্সিলে ওইটা আপনি বাজতে লাগি যাবে। হ্যাঁ বৃক্ষ আছে তো হাওয়া চলছে দেখো কত সুন্দর আছে কি না। হ্যাঁ এই বুকটা পেছনে স্টল একটা লাগা আছে আমিও একটা লিখি দাম কত 9990 টাকা দাম আছে নিজেই বলতে থাকবে। তোমরা এইদিকে সেই দিকে আলাদা ফালাদা জিনিস গিফট গুলা করো এই সব জিনিস গিফট করো গীতার পুস্তক করো ভাগবত পুস্তক করো আমরাও একটা আমিও একটা লিখি আর কোন লোক পড়তে জানে না এরকম স্পর্শ করো বলতে থাকবে শ্লোক গুলাও মুখস্থ হয়ে যাবে অর্থ গুলাও মুখস্থ হবে পেছনে আছে যদি কোনো লোক বিশ্বাস না করবে তো তোমরা যাই করে একটু সাটাই দেখে নিবে সবজন যাবে না সব লোক সাটাইতেই থাকবে তো ভাগবত কে শুনবে 10 12টা বই আছে যদি কোন লোককে লিবার মন হবে এরা সেইখানে বসি আছে তোমরা নিতে পারবে এখন দুদিন তিন দিন আমি বলেছি এখানে থাকবে তোমরা ঠিক আছে তো জিসকো লেনে কা মন হোগা ও আপ লোগ লে সকতে হ্যায় অর অর কুছ আপ আরতি করওয়ায় আপ কল কল ভগবান কৃষ্ণ কা জন্ম উৎসব হোগা ইসলিয়ে আপ লোগ বিলকুল ধুমধাম সে আইয়েগা আচ্ছা ভাগবত তোমরা হিন্দি বুঝতে পাচ্ছ তো কোনো সমস্যা নাই তো হ্যাঁ তোমাদের হিন্দি আমি বলি বলি মাঝে মাঝে বাংলা আমি শিখছি আমি সব ভুলে গেছি হ্যাঁ সব গুড় গোবর আমার বাংলা হয়ে গেছে এই জন্য বাংলা বলতে একটু ভয়ও লাগে अभी आप लोग केवल अपने स्थान पर खड़े होइए आगे कोई नहीं आएगा आरती आरती के बाद प्रसाद लेकर घर जाइएगा वहीं खड़े रहिए कहीं आगे नहीं आना अपने ही जगह पर खड़े होइए जैसे आज योगासन हो रहा था कल भी योग होगा सुबह 5:30 से 6:30 हमारे लक्ष्मी नारायण दास जी योग करा रहे हैं आप लोग योगासन में भाग ले सकते हैं 5:30 से 6:30 अपने ही जगह पर रहो आगे नहीं आना है हड़बड़ ठेला ठेली मत करिए सबका प्रसाद का व्यवस्था भी है सब प्रसाद लेकर बहुत सुंदर व्यवस्था बहुत सुंदर कथा सुन रहे हैं आज तो भीड़ इतना हुआ पांडाल पीछे चला गया लास्ट दिन तक इतना कर देना है पंडाल पंडाल खोल खाल के घर लेकर चला जाए सब लोग आइए आनंद से कथा सुनिए आइए हम लोग आरती पर सम्मिलित होते ईद गुंग हवि प्रजननम में स्तुत शबीर गुंग सर्वगण गुंग स्वस्थाय आत्म शनि प्रजा शनि पदु शनि लोक सन्य भय शनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करोत वर्णम पयोरे तो अस्मा शुद्धता श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप